लेकिन फायजा कमाल को नहीं पसंद करती जमाल, और अभी वो बहुत छोटी है। खैर अब इतनी भी छोटी नहीं, और हम कौन सा कह रहे हैं कि शादी करवा दो, सिर्फ मंगनी की बात कर रहे हैं। आप बेकार की बातों का इशू बना रहे जमाल, और वैसे भी मैं अपने अब्बू को जानती हूँ, वो इस रिश्ते से कभी भी राजी नहीं होंगे। तुम इस बात की संगीनी को समझ नहीं रही, अभी तो उन्होंने सिर्फ धमकी दी है, अगर उन्होंने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया तो शादी पोस्टपोन भी हो सकती है। साहब मैं सोच रहा था कि अगर आप ये पैसे यहाँ जो कमेटी का दफ्तर है वहां रखवा दें, क्योंकि इस वक्त इतना कैश साथ ले जाना मुनासिब नहीं है। हालात तो आपको पता ही है कैसे हैं, बल्कि ये मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, ये भी इनके साथ ही रख दें। गाड़ी और जहेज तो घर में आने दो, फिर तुम्हारे मर्ज का भी इलाज कर ही लेंगे। पहले एक को तो आने दो घर में। जावेद का फोन। हाँ भाई जावेद, खैरियत है? हेलो हेलो सेठ साहब, मार्केट में आग लग गई। क्या? हाँ हाँ, हमारी दुकान भी जल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया है सेठ साहब। क्या कह रहे हो जावेद, मार्केट में आग लग गई, दुकान जल गई? हाँ हाँ, हमारी दुकान भी जल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया सेठ साहब। अबू मुश्ताक, मुश्ताक, मुश्ताक बेटा, हट कार से के मुश्ताक। अबू अबू